हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंस्टाग्राम की चार ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि आप करते रहेंगे या करते आ रहे होंगे। हाँ जी, तो आपके अकाउंट पे ये मिस्टेक्स आ रही है तो कहीं ना कहीं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डिलीट या डिसेबल हो सकता है और आपके इंस्टाग्राम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस वीडियो में आपको चार इंस्टाग्राम की मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, कहीं ना कहीं ये मिस्टेक्स आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की हेल लगा देती है। हाँ जी दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में चार मिस्टेक जो बताने वाला हूँ वो आप इस वीडियो में ज़रूर देखें, एंड तक देखें। क्या आप ये सारी मिस्टेक अपने अकाउंट पे कर रहे होंगे तो ये वीडियो जरा सा भी स्किप नहीं करना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंस्टाग्राम की नई नॉलेज मिलेगी, तो एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सिक्योर रखना चाहते हो तो मैंने उसके बारे में भी बताया है। लगभग ये चार जो पॉइंट्स है, चार जो मिस्टेक्स है, वो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को बेटर बनाने के लिए, तो आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो आपको ज़रा सा भी वीडियो स्किप नहीं करना है। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे पहले आए। तो हम फर्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं कि आप सबसे बड़ी गलती इंस्टाग्राम पर कर देते हो कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल नहीं करते। इसका नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप जब भी इंस्टाग्राम पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल कर देते हो और आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड किसी और को पता लग जाता है, पर अपने मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP उसको नहीं मिलता, तब तक वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पासवर्ड अपना पता चल गया पर मोबाइल नंबर रजिस्टर आपके पास है, तो आपको एक OTP आएगा। मतलब कि पासवर्ड के बाद एक OTP भी डालना पड़ता है, वो OTP जब तक उसको नहीं मिलता तब तक वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करने के बाद जो फ़ायदा है वो ये है, ये आपको एक इधर बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल नहीं करा है तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कोई भी लॉगिन कर रहा है, कोई भी चला रहा है, तो इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे अनेबल करना है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आज ही जाके वो वीडियो देखना और आज ही अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल कर लेना। और ये करने के बाद आपका अकाउंट बिल्कुल सिक्योर रहेगा, तो ये बात ध्यान में रखो कि आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आज ही अनेबल कर लेना है। तो हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर टू की। मिस्टेक नंबर टू ये है कि आप इंस्टाग्राम पे स्पैम बहुत कर देते हो। आप ये सबसे बड़ी गलती कर देते हो कि हाँ जी, मिस्टेक नंबर टू है, स्पैमिंग आप बहुत करते हैं। स्पैमिंग क्या होता है कि देखो, स्पैमिंग बहुत तरीके का होता है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्पैमिंग होता क्या है। देखो, आपके इंस्टाग्राम पे यार, दोस्त, भाई की फ़ोटो आई तो आप लोग सोचते हैं कि अभी इसकी फ़ोटो आई तो हम कॉमेंट की बरसात कर देंगे, तो आपको ये सीन बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आप फटाफट एक के बाद एक कमेंट करके जाते हो, 10-12 कमेंट करते हो, तो आपको एक टेम्पररी बैन आता है, तो आप एक घंटों तक किसी को भी फ़ोटो को कमेंट नहीं कर सकते हो, तो इसी वजह से आता है। आप ये बार बार मिस्टेक करोगे, स्पैमिंग करोगे, किसी को पर्सनल मैसेज में जाके गाली गलौज करोगे या स्टोरीज में स्पैमिंग करोगे, तो आपको एक एक्शन ब्लॉक आता है। एक्शन ब्लॉक बेसिकली होता क्या है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो जरूर देखना। अभी बात करते हैं मिस्टेक नंबर थ्री की, वो आप सभी लोग गलती कर रहे होंगे। देखो, इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन है कि आप एक पोस्ट पे 30 हैशटैग लगा सकते हो, लेकिन अब हुआ क्या है, आप सेम पोस्ट पे एक ही हैशटैग यूज़ कर रहे हो। मतलब कि हर एक पोस्ट में सेम 30 हैशटैग उठाए, हर एक पोस्ट में वही पोस्ट कर दिए, तो आपको बेसिकली वैसे नहीं करना है। बेसिकली इंस्टाग्राम उसको स्पैम मानता है, तो आपको जब आप पोस्ट कर रहे हैं अलग अलग पोस्ट, तो आपको हर एक पोस्ट में अलग अलग हैशटैग डालने हैं, सेम हैशटैग नहीं डालने हैं। आप 30 हैशटैग सेम हैशटैग यूज़ कर रहे हो तो ये एक स्पैमिंग है, इसके वजह से आपके अकाउंट पे शैडो मैन आ सकता है। तो अगर आप लोग ना यूज़ कर सके तो 25 हैशटैग यूज़ करो, जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे 1-2 लाख, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपके 1-2 लाख फॉलोअर्स है तो आप 15-20 में ही हैशटैग लगाए, फोटो रिलेटेड हैशटैग लगाए, हर फोटो पे अलग अलग हैशटैग लगाए। बार बार सेम हैशटैग आप यूज़ कर रहे हो तो इसके वजह से आपके अकाउंट पे प्रॉब्लम आ सकती है, शैडो मैन आ सकता है, एक्शन ब्लॉक आ सकता है। तो आज से ये मिस्टेक मत करना अगर आपका अकाउंट बचाना है तो। तो अभी बात करते हैं मिस्टेक नंबर फोर की, जो कि बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक तो नहीं बोल सकते, सबसे बड़ी मिस्टेक तो मैंने जो फर्स्ट बताई वो है, पर सभी मिस्टेक सभी इक्वल है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक से आपके अकाउंट को प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी बात करते हैं मिस्टेक नंबर फोर की,
जो कि हम लोग करते हैं कभी कभी अपने को याद नहीं रहता है कि देखो क्या होता है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बहुत सारी आती है तो अपना हम उसमें मेन अकाउंट लॉगिन कर देते हो। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो उसमें अपना मेन अकाउंट लॉगिन नहीं करना है। पर अभी बात करते हैं कि सपोज आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में इंस्टाग्राम अकाउंट अपना मेन अकाउंट लॉगिन किया तो आपका कभी कभी अकाउंट परमानेंटली डिलीट भी हो जाता है, कभी कभी एक्शन ब्लॉक भी आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती है क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस कर लेती है। तो आपको एक ध्यान में रखना है कि अपना इंस्टाग्राम जो मेन अकाउंट है वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लॉगिन ना करे। आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत है तो आप एक फेक अकाउंट बनाओ और उससे लॉगिन करो, पर अपना अकाउंट आप सिक्योर रखना चाहते हो, अपना डाटा किधर लीक ना हो, तो इसके वजह से बोलता हूँ कि आप मेन अकाउंट किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लॉगिन ना करें। वैसे आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल किया है तो इश्यू नहीं आ सकता अपने अकाउंट पे, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में अपना अकाउंट लॉगिन ना करें। तो ये जो चार मिस्टेक्स थी वो मैंने वीडियो में अभी कवर की, इसमें से आपने कौन सी मिस्टेक की आप कर रहे थे और करते आ रहे हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।